वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल लवेज Academy। प्रीवियस लेक्चर में हमने पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ देखे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखा एंड सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल देखा था। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ के बताता हूँ। आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो फॉलोइंग ट्रिपलेट्स में से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मैं अभी एक बार समझा देता हूं आपको कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता था। थ्री नेचुरल नंबर इन सेट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। तो यहां कौन सा नेचुरल नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है, तो 5। तो क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। एंड रिमेनिंग टू नंबर्स का सम 25 आना चाहिए। तो देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, दैट इज 25। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यस, दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं सिर्फ इसी एग्जाम्पल क्लियर सेंटेंस लिख रहा हूं, आगे सिर्फ आपको समझाते जाऊंगा कि इसका आंसर कैसा क्या आएगा। तो 4, 9, 12 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर 12। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। देन अब रिमेनिंग क्या चेक करना है, 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इतना आता है क्या। तो करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर 81, 16 प्लस 81 97। तो 97 इससे मैच हो रहा है क्या, नहीं। मतलब कैसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे सेंटेंस में, पूरा सेंटेंस लिखते जाओ, दिस इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। क्या लिखेंगे, नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्या दिया ट्रिपलेट, 5, 12 और 13 ग्रेटेस्ट नंबर 13। सिंपल है, तीन स्टेप में आंसर निकालना है आपको। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। तो लार्जेस्ट नंबर 13, 13 का स्क्वायर 169। देन रिमेनिंग 2 का स्क्वायर चेक कर लेंगे, उनका सम 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 25 प्लस 12 स्क्वायर 144। इनकी एडिशन क्या होती है, 169। तो आ रहा है क्या हमारा आंसर, सही है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर देखो ये एंड ये सेम आ रहा है, मतलब लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। तो इसको लिखेंगे, यस दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट देन सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रॉब्लम नंबर 4। क्या दिया है ट्रिपलेट में, 24, 70, 74। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 74। तो पहले 74 का स्क्वायर करेंगे, 74 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 74 का स्क्वायर है 5, 4, 7, 6। तो ये कैलकुलेशन आप बाद में कैलकुलेट करके देख सकते हो। देन किसका स्क्वायर फाइंड आउट करना, अभी इन दोनों का स्क्वायर एंड उनकी सम, 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। तो इनकी जो एडिशन स्क्वायर एंड देन इनकी एडिशन जो हो जाएगी, वो 24 का स्क्वायर आ जाता है 576 प्लस 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900। देन उनकी एडिशन क्या हो जाएगी, 5476 विच इज सेम टू दिस। देन हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर इज इक्वल टू 74 स्क्वायर। नीचे क्या लिखेंगे, यस दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। शॉर्ट में लिखता हूं, यस
पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट देन सॉल्व करते हैं 5 and 6। सॉल्व करते हैं लास्ट टू प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 5th and 6th। फिफ्थ क्या दिया है हमें ट्रिपलेट 10, 24, 27, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है 27, उसका स्क्वायर कर देंगे, 27 का स्क्वायर क्या हो जाता है 729। देन अब रिमेनिंग टू टर्म का स्क्वायर एंड उनकी एडिशन, तो क्या हो जाएगा 10 square + 24 square, 10 square 100 + 24 square 576, तो इनकी एडिशन हो जाएगी 676, जो कि इससे बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, 10 square + 24 square is not equal to 27 square, मतलब कि क्या हो जाएगा, नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लिखेंगे 10, 24 and 27 is not, अच्छे से बड़ा लिखता हूं मैं, नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नोट डाउन करते जाइएगा, देन सॉल्व करते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। क्या दिए हमें ट्रिपलेट 11, 60 and 61, उसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 61, तो 61 का पहले स्क्वायर करेंगे, 61 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3721। ये कैलकुलेशन आप बाद में भी कर सकते, करके देखो, क्रॉस चेक करो यहाँ हम सही जा रहे कि नहीं। तो 61 लार्जेस्ट नंबर, उसका स्क्वायर 3721, रिमेनिंग टू टर्म्स का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 11 square + 60 square, तो 11 का स्क्वायर 2121 + 60 का स्क्वायर 3600, तो इनके एडिशन तो कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3721, जो कि 61 के स्क्वायर के बराबर है। दिन लिखेंगे 11 square + 60 square is equal to 61 square, तो ये हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, यस दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको बीच में सेंटेंस लिखना पड़ेगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर, हेंस दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ऐसा पूरा सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, मैंने आपको शॉर्ट में बताया क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, यहां डिस्प्ले हो जाएगा ये उसकी फिगर, तो इन फिगर एंगल एम एन पी is equal to 90 degree, MNP 90 degree, seg NQ is perpendicular to MP, seg NQ perpendicular to seg MP, MQ is equal to 9, MQ is equal to 9 दे दिया उन्होंने, then QP is equal to 4, QP is equal to 4, तो find out NQ, तो NQ हमें find out करना है, तो हमने by property of geometrical mean में देखा था, इन राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे कंस्ट्रक्शन होगा तो क्या हो जाएगा NQ ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगी, एंड उस थ्योरम से हमने क्या प्रूव किया था NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इनटू QP, ये हमने ज्योमेट्रिकल मीन बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन इससे हमने ये प्रूव किया था, वही यहां काम में आएगी। तो क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जाना है आपको, स्टेप बाय स्टेप एकदम सेंटेंस भी आपको लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल एमएनपी, एंगल एमएनपी इज 90 डिग्री, एमएनपी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों भाई, क्योंकि वो गिवन है। देन इस सेग एनक्यू इज परपेंडिकुलर टू एमपी, सेग एमपी, तो क्या करेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अभी समझाया था, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एमक्यू इंटू क्यूपी, तो एमक्यू की वैल्यू क्या है 9, इंटू क्यूपी की वैल्यू क्या है 4, तो 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा 36, तो ये बनेगा 9 into 4 = 36, तो यहां तक क्या था एन क्यू स्क्वायर, तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
यहां लिखता हूं मैं, तो एन क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 36। इस स्टेप के लिए क्या लिखेंगे, टेकिंग, शॉर्ट में लिखता हूं थोड़ा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, एन क्यू इज इक्वल टू, हाँ पहले ही हमने स्क्वायर रूट लिया है, तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, मतलब 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। तो एन क्यू की वैल्यू मिली हमें 6, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी, यूनिट नहीं दिया कुछ भी, तो हम लिखेंगे यूनिट्स, एन क्यू इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा, इन फिगर एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री। चलो एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री, देन दिया हमें सेग एम पी इज परपेंडिकुलर टू, सेग पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, एंड पी एम इज 10, पी एम इज 10, क्यू एम इज इक्वल टू 8, देन फाइंड क्यू आर। हमें टोटल क्यू आर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो पहले क्यू आर की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज एम आर की लेंथ। तो एम आर की लेंथ कैसे निकालेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये करेंगे तो हमारा एम आर आ जाएगा। तो सिस्टमेटिकली जाएंगे पहले तो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल पी सॉरी एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री, क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, से पी एम इज इक्वल, पी एम इज परपेंडिकुलर टू से क्यू आर, से पी एम इज परपेंडिकुलर टू से क्यू आर। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो पी एम की वैल्यू क्या है, 10, क्या हो जाएगा स्क्वायर, देन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू एम की वैल्यू क्या है, 8, 8 इंटू क्या हो जाएगा एम आर। तो पहले तो 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, ये 8 मल्टीप्लीकेशन में, यहां जाएगा तो डिवीजन में, 100 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू एम आर। तो एम आर की वैल्यू अगर ये डिवीजन कर देंगे आप, तो एम आर की वैल्यू निकल के आएगी 12.5। नोट डाउन दिस। पहले तो एम आर की वैल्यू निकल के आई 12.5। तो अगर एम आर की वैल्यू पता है, क्यू एम की वैल्यू गिवन थी, तो हम क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर, क्योंकि वो एक ही लाइन पे, एक ही लाइन को बिलोंग करते, क्यू एम आर। तो क्यू एम की वैल्यू 8 प्लस एम आर की वैल्यू 12.5, तो 8 प्लस 12.5 क्या आ जाएगा, 20.5। ये हो जाएगी हमारी क्यू आर की लेंथ, विच वी हैव टू कैलकुलेट। तो नोट डाउन दिस, क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 20.5। यूनिट्स लिख दो यहां। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, पढ़ के बताता हूं आपको। सी फिगर, फाइंड क्या दिया हमें, फाइंड क्या करना है, आरपी एंड पीएस, आरपी एंड पीएस हमें फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ट्रायंगल पीएसआर, तो ट्रायंगल पीएसआर में जो इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे हमें आरपी एंड पीएस फाइंड आउट करना है, आरपी एंड पीएस। तो पहले तो देखो, इन ट्रायंगल क्या क्या गिवन है वो देखेंगे। ट्रायंगल एंगल आर पी एस इज इक्वल टू 30 डिग्री, पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन रिमेनिंग एंगल जो बचेगा, एंगल एस आर पी, वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। लिखेंगे एंगल एस आर पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट में लिखता हूं, आप पूरा सेंटेंस लिखो, देन तो हमारा ट्रायंगल पी एस आर क्या हो जाएगा, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल।
लिखेंगे देयर फॉर ट्राइंगल पी एस आर इज 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा, तो क्या देखा था हमने, 30 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो लिखेंगे कौन सी साइड है अपोजिट 30 एंगल के अपोजिट साइड, एस आर। तो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, क्या दिया है हमें पी आर, क्या लिखेंगे पी आर। तो एस आर की वैल्यू क्या है, 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर। तो पी आर क्या हो जाएगा, 2 डिवीजन में यहां जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, पी आर हो जाएगा 12। नोट डाउन दिस, हमें पी आर की वैल्यू मिल गई 12। चलो एक तो फाइंड आउट हो गया, देन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस पी। एस पी तो ये क्या निकाला था हमने, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री के लिए भी हमने देखा था कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2 ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, मतलब इन अ राइट एंगल ट्राइंगल लिखेंगे एस पी। एस पी इज रूट 3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, दैट इज पी आर, पी इंटू आर। तो रूट 3/2 इंटू पी आर की कैलकुलेशन क्या आएगी, 12 हमने कैलकुलेट किया था, तो आ जाएगा 6। तो फाइनल कैलकुलेशन ई एस पी का क्या आ जाएगा, 6√3। तो पी आर का कैलकुलेशन एंड एस पी का कैलकुलेशन हमारा आ गया 12 एंड 6√3 रिस्पेक्टिवली। तो सिंपली क्या किया हमने, 30 का अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेनियस के हाफ होगा, इससे हमने पी आर की वैल्यू कैलकुलेट की। देन एस पी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, 60 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी वो √3/2 ऑफ द हाइपोटेनियस होती है, वो हमने 30 60 90 डिग्री ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में देखा था। तो नोट डाउन कर लो ये। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है एक्टिविटी फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी। फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो फिगर हमें गिवन है, एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल जिसके दो साइड्स सेम है, देन क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स एक ही मेजरमेंट के हो जाएंगे, दैट इज 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा हमारा, 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल। तो ऐसा होता है तो अपोजिट साइड्स ऑफ 45 डिग्री इन अ राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, ये हमने देखा था। तो इसी के हिसाब से ही हम ये प्रॉब्लम एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। तो इसको इंपॉर्टेंट एज इट इज कर लो क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये दो मार्क्स के लिए, दो ही मार्क्स के लिए आएगा। तो चलो ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, देन बी ए सी क्या है, बी ए सी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री क्योंकि ट्राइंगल के दो साइड्स सेम है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ए सी, तो यहां क्या आ जाएगा, 1/√2। तो यहां भी आ जाएगा 1/√2। तो रूट 8 को है इन्होंने 2√2 लिखा, तो कैसे लिखा देखो, वो भी समझा के देता हूं इनको। रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 2, √4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा, 2, अंदर क्या बचेगा, √2, तो 2√2, तो 1/√2 एज इट इज, √2 √2 कैंसल। लास्ट फाइनल आंसर क्या बचेगा हमारा, 2, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, उनकी लेंथ क्या है हमारी, 2 यूनिट्स। नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब स्क्वायर के हमें साइड फाइंड आउट करनी है, देन उसका पेरीमीटर। तो पहले तो क्या गिवन है हमें, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज स्क्वायर। तो लिखता हूं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हो जाएगा एंड हम बीच में डायगोनल ड्रॉ कर देंगे तो दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, दैट इज ए बी सी एंड ए डी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी
क्या हो जाएगा ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक एंगल जो है वो स्क्वायर का भी एक एंगल है, मतलब स्क्वायर का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो हमारा ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले तो एक साइड स्क्वायर की कंसीडर करते हैं एक्स, तो लिखता हूं मैं ए लेट लेट इस ट्रायंगल के लिए दो, जो कि स्क्वायर के दो साइड से बनता है, इसलिए हमारा ए बी एंड बी सी दोनों भी एक्स आ जाएंगे। तो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स, एंड और क्या गिवन है हमें, ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यह हमें गिवन है। देन इन ट्रायंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी मतलब एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, वो भी लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन क्या होगा, एंगल ऑफ अ स्क्वायर स्क्वायर। देन ये एंगल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल हो बन गया तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देन ए सी की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 10, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ए बी एंड बी सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने उसको एक्स सपोज किया था, तो ये क्या हो जाएगा 2x square। तो 100 इज इक्वल टू 2x square, 2 यहां आ जाएगा तो डिविजन हो जाएगी, 100/2 50, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू रूट 50। यहां क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, शॉर्ट में लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, तो देखो 50 को 25 × 2 लिख सकते हैं, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट रूट 2 बचेगा, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 5√2 सेंटीमीटर, एंड x इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब हमें ट्रायंगल की एक साइड मिल गई 5√2, एंड स्क्वायर की स्क्वायर की एक साइड मिल गई 5√2, एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर के सारे साइड्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं, मतलब स्क्वायर की सारे साइड्स की लेंथ जो होगी वो क्या आएगी 5√2। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो साइड्स 5√2, क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर, शॉर्ट में लिखता हूं साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो हमें एक तो साइड मिल गई, देन पेरीमीटर निकाल सकते, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको 4 बार हमें सम करना पड़ेगा इसकी, तो 5√2 + 5√2 + 5√2 + 5√2 एंड फाइनली 5√2, तो क्या आ जाएगा 20√2, इनकी एडिशन बनेगी 20√2 सेंटीमीटर। तो नोट डाउन दिस, हमें साइड ऑफ स्क्वायर मिल गया 5√2 एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिला 20√2 सेंटीमीटर। नोट डाउन दिस, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, टिक कर लो इसे एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर डीईएफ एंगल डीएफई इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। देन आगे क्या दिया है, एफजी इज परपेंडिकुलर टू ईडी, एफजी इज परपेंडिकुलर टू ईडी, इफ जीडी इज इक्वल टू 8, जीडी इज इक्वल टू 8, जीएफ इज इक्वल टू 12, देन फाइंड ईजी, फर्स्ट हमें ईजी फाइंड आउट करना है, देन एफडी फाइंड आउट करना है, देन ईएफ फाइंड आउट करना है, मतलब हमें तीन टर्म्स फाइंड आउट करनी। तो पहले तो ईजी, देन सेकंड फाइंड आउट करना है एफडी, एंड थर्ड फाइंड आउट करना है ईएफ। तो देखो फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे ईजी के लिए, तो देखो
अगर डी ई एफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो हम बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन क्या बता सकते हैं, जी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी। तो हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो ई जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ एंगल, यही आगे लिखता हूं, एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एफ जी इज परपेंडिकुलर टू ई डी। तो क्या हो जाएगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन क्या हो जाएगा, जी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी, ई जी इंटू जी डी। तो जी एफ का स्क्वायर क्या है, वैल्यूज पुट डाउन करेंगे, जी एफ का स्क्वायर 12, ई जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो वैसे के वैसा रखेंगे, देन जी डी की वैल्यू है 8। तो ई जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 स्क्वायर मतलब 12 × 12/8। तो यहां डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 एंड ये 2, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 × 3 क्या हो जाएगा 18। तो ई जी की वैल्यू मिल गई हमें 18। देन फाइंड आउट करेंगे एफ डी के लिए, एफ डी तो एफ डी फाइंड आउट करने के लिए, तो देखो पहले तो ट्रायंगल एफ जी डी में एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब एंगल एफ जी डी 90 डिग्री है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एफ जी डी एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिखता हूं, यहां थर्ड चाहिए हमें इसलिए पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर, जी एफ स्क्वायर लिखता हूं, जी एफ स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। तो एफ डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जी एफ की वैल्यू क्या है 12, उसका स्क्वायर, जी डी की वैल्यू क्या है 8, उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 144 प्लस 18 का स्क्वायर 64, तो 144 प्लस 64 आ जाएगा हमारा 208। तो एफ डी स्क्वायर की वैल्यू इतने, तो एफ डी क्या आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एफ डी बनेगा हमारा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो इसको, सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 4√13 आ जाएगा। मतलब इसका क्या किया उन्होंने, ये देखो 14√3 आंसर है, मतलब 16 × 13 हमारी वैल्यू हो जाएगी 208। तो 16 का स्क्वायर रूट किया 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4√13। तो ये है हमारा आंसर, एफ डी इज इक्वल टू 4√13। देन फाइंड आउट करना है हमारा थर्ड टर्म, दैट इज ई एफ। तो इन ट्रायंगल ले लेंगे अब जी ई एफ, इन ट्रायंगल हम 90 डिग्री से लिखे थे, चलो इन ट्रायंगल ई जी एफ एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन ये 90 डिग्री हो जाएगा तो हम क्या यूज कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये पहले तो ई जी की वैल्यू हमारी आई थी 18, तो यहां 18 लिख दूंगा तो हमें आसानी हो जाएगी। तो देखो ई एफ स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, तो ई जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ई जी स्क्वायर 18 स्क्वायर देन 12 स्क्वायर, तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर 324 प्लस 144, इनकी एडिशन क्या हो जाएगी 468। इसको ही आप सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 36 × 13, तो 36 का रूट आ जाएगा 6√13। तो ई एफ क्या, ई एफ की वैल्यू मिलेगी हमें 6√13। ये कैलकुलेशन आप होमवर्क में करके देख लो एक बार। तो हमें तीनों की वैल्यू मिल गई, ई जी इज इक्वल टू 18,
FD is equal to 4 root 13 and EF is equal to 6 root 13. Note down this. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत आसान है, पढ़ के बताता हूँ. फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. तो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. तो हमें BD की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो एक तो चीज, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको ने प्रीवियस ईयर्स में सीखी थी. देन अगर 90 हो जाएंगे एंड हम डायगोनल ड्रॉ कर देंगे तो हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे. यहां कौन सा मिल रहा है, एंगल बी सी डी. तो एंगल बी सी डी क्या है, 90 डिग्री. तो ये एंगल क्या बन जाएगा, एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. तो लिखेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बी डी इज BD is diagonal. तो in triangle BCD angle BCD is 90 degree. तो ये 90 degree हो जाएगा, तो angle triangle BCD is a right angle triangle. तो ये भी लिखेंगे triangle BCD is right angled triangle, right angled triangle. शॉर्ट में लिखता हूं, आप फुल टेंस सेंटेंस में लिखो. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम. ये हाइपोटेनियस हो जाएगी BD एंड ये रिमेनिंग टू साइड्स. तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. तो देखो अगेन, BC की वैल्यू पता है हमें, दैट इज 35 स्क्वायर. देन CD की वैल्यू पता है हमें, दैट इज 12, उसका हो जाएगा स्क्वायर. 35 स्क्वायर होता है 1225 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144. इन दोनों की एडिशन होती है 1369. तो BD स्क्वायर मिलेगा हमें, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 1369. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, मतलब BD इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट क्या जाएगा, 37 सेंटीमीटर. तो हमें नीचे आंसर में फाइनल सेंटेंस में क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर. डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर. नोट डाउन दिस. सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज इन फिगर M इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR, M QR का मिड पॉइंट है. देन एंगल PRQ, एंगल PRQ इज 90 डिग्री. प्रूव दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर. तो चलो ये हमें प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को टिक कर लो एज ए इंपॉर्टेंट. ये बहुत अच्छे प्रॉब्लम है एंड थोड़े से ट्रिक है, इतने भी मुश्किल नहीं है. मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो मुश्किल कोई भी चीज नहीं लगेगा आपको. तो दिस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स बनेंगे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल. कौन से ट्रायंगल, पी आर एम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा एंड ट्रायंगल पी आर क्यू दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इतना भी आपको पता चल गया तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए कंसिडर करते हैं. पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री हो जाएगा तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. मैंने दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बताया था, ट्रायंगल पी आर एम. तो उसको कंसीडर करेंगे. इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल पी आर एम इज क्या, एंगल पी आर एम 90 डिग्री. इसमें भी क्या अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम.
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर टू। तो एक चीज हम क्वेश्चन से उठाएंगे दैट इज एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो देखो आर एम को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैसे, हाफ ऑफ आर क्यू दैट इज यहां लिखता हूं सेपरेट से आर एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्यू। क्यों? तो हमारा आर एम आर क्यू के हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, ये हाफ मिलके पूरा आर क्यू बनेगा। तो आर एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्यू, इसको लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर थ्री। तो आर एम मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं इक्वेशन टू में। तो इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन टू नए से पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस वन बाय टू आर क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल प्लस वन बाय टू का स्क्वायर वन बाय फोर इंटू आर क्यू स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पूरी इक्वेशन को हम, लेट सपोज इसको फोर देता हूं, इक्वेशन फोर को हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर बाय फोर, तो क्या हो जाएगा फोर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस फोर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर अपॉन फोर दैट इज वन आर क्यू इज इक्वल टू वन आर क्यू स्क्वायर। तो देखो आर क्यू इक्वेशन वन में आर क्यू यहां भी है तो इसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज, तो देखो फोर पी एम स्क्वायर ये यहां आ जाएगा तो माइनस फोर पी आर स्क्वायर। तो इसको लेता हूं इक्वेशन फाइव। अब पुट इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन वन, पुट फाइव इन वन, तो क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू की वैल्यू क्या है हमारी फोर पी एम स्क्वायर माइनस फोर पी आर स्क्वायर। तो इसको ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा जो प्रूव दैट करना था हमें वो आ जाएगा। तो चलो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा फोर पी एम स्क्वायर। अब देखो फोर पी एम स्क्वायर एज इट इज पी आर स्क्वायर माइनस फोर पी आर स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस थ्री पी आर स्क्वायर, मतलब पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी एम स्क्वायर माइनस थ्री पी आर स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था तो हेंस प्रूव्ड। तो क्या किया हमने, पहले एक बड़ा ट्रायंगल एंड एक छोटा ट्रायंगल, ये दोनों हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। तो सिंपली बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने दोनों की वैल्यूज लिख दी, सिर्फ इक्वेशन ट्रायंगल पी आर एम में आर एम की वैल्यू हमने हाफ आर क्यू क्यू कर दी क्योंकि एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। देन हमने थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन कर दी एंड हमें पी क्यू इज इक्वल टू फोर पी एम स्क्वायर माइनस थ्री पी आर स्क्वायर, ये जो प्रूव करना था वो मिल गया। तो नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको भी टिक कर लो एज ए इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के बताता हूं। अप्लाइड, थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है। तो वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग ऑन आइदर साइड्स ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक रोड पे अपोजिट साइड पे दो वॉल्स है वो एक दूसरे से पैरेलल है। देन लैडर ऑफ 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीच द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट 4 मीटर। तो एक सीढ़ी उन्होंने लैडर मतलब सीढ़ी उन्होंने रोड से विंडो एक वॉल के विंडो के ऊपर लगा दी जिसकी हाइट थी जमीन से 4 मीटर। हालांकि ये फिगर आपको बनानी पड़ेगी खुद से, तो ये फिगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, सिर्फ आपको क्वेश्चन आएगा फिगर खुद से बनानी पड़ेगी इस एग्जाम्पल के लिए। तो क्या किया हमने, लैडर लगा दी वॉल ए पे जिसकी हाइट थी 4 मीटर। द नेक्स्ट क्या है, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट इट स्टॉप टच द विंडो
ऑफ अदर बिल्डिंग एट हाइट 4.5। मतलब वही लैडर हमने स्ट्रीट के अपोजिट साइड शिफ्ट कर दी, मतलब एसी लैडर थी उन्होंने एसी प्लेस कर दिया। अब लैडर का तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, पर वो जो विंडो को टच कर रही थी उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी थी, 4.2 मीटर। तो फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रिप, हमें स्ट्रिप की विड्थ मेजर करनी है। तो पहले तो ये देख लो कि ये दोनों वॉल्स एक दूसरे से पैरेलल है एंड ये नीचे का रोड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, राइट एंगल टू द स्ट्रीट वॉल्स। ये दोनों वॉल्स स्ट्रीट से राइट एंगल में एक दूसरे से टच करेगी। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, कौन से, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा एंड इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सी डी मिल जाएगा। बी सी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो चलो बहुत सही क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैंने पूरा बनाया उसको आपको सेंटेंस में वर्डिंग करने पड़ेगी, वो आप कर लीजिएगा, वो आप होमवर्क के लिए कर लो, मैं बाद में इसका पूरा लॉजिक बता देता हूं। पहले तो इन ट्रायंगल, पहले तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इनका क्या आ जाएगा, 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर जो हमें हाइट दी थी। अब निकालेंगे सिर्फ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 का स्क्वायर हो जाएगा 33.44 माइनस, ये इधर आ जाएगा तो माइनस, 4 स्क्वायर 16, तो बी सी स्क्वायर बनेगा 17.64। ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो, कर लो अच्छा होगा कैलकुलेशन के लिए। तो बी सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बी सी की हमें मेजर मिलेगा 4.2 मीटर। तो चलो ये क्या मिल गया हमें, 4.2 मीटर। एक स्ट्रीट का हाफ पार्ट तो मिल गया, अब हाफ निकालना है। हाफ निकालने के लिए क्या कंसिडर करना पड़ेगा, अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, दैट इज ट्रायंगल ई डी सी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ई डी सी क्या हो जाएगा, एंगल ई डी सी इज 90 डिग्री, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो क्या यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो सी ई की वैल्यू पता है दैट इज 5.8 स्क्वायर, ई डी की वैल्यू हमें पता है दैट इज 4.2 स्क्वायर प्लस, अब निकालनी है हमें सी डी की वैल्यू। तो सी डी को एज इट इज लग रखेंगे, तो सी डी स्क्वायर बनेगा हमारा 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2 स्क्वायर। तो 5.8 का स्क्वायर क्या बनेगा, हमें पहले भी कैलकुलेट किया था, दैट इज 63.64 एंड 4.2 का स्क्वायर बनेगा 17.64। तो इसकी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड सी डी विल बी 4 मीटर। तो सी डी भी मिल गया हमें 4 मीटर। अब क्या करेंगे, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो बी सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी दैट इज 4.2 मीटर एंड सी डी की वैल्यू कैलकुलेट की दैट इज 4 मीटर। इनकी अगर हम एडिशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8.2 मीटर। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट यहां सेंटेंस में लिखना पड़ेगा आपको, विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज इक्वल टू 8.2 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अप्लाइड बेस्ड था, इसको नोट डाउन कर लो।
तो सिंपली क्या किया हमने, दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किए, उनकी रिमेनिंग साइड को कैलकुलेट किया जो कि थी हमारी, उन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमें विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मिल जाएगी। तो नोट डाउन करो इसको। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दिस चैनल को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।